आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ कमिश्नर करेंगे जादूगर सम्राट शहंशाह का उद्घाटन। यह जानकारी देते हुए जादूगर शहंशाह सम्राट के जादूगर एलके मिश्रा ने न्यूज 9 भारत को एक भेंट वार्ता में बताया कि हम 8 जुलाई से आजमगढ़ शहर में अपने जादू का शो प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसका आयोजन आजमगढ़ शहर सिधारी मऊ चौराहा के पास स्थित राहुल प्रेक्षागृह में किया गया है, जिसके माध्यम से हम समाज में फैली हुई कुरीतियों को समझाने और मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, दहेज जैसा नासूर रोग, नशा उन्मूलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अभियान पर हमारा शो प्रदर्शित होगा। साथ ही साथ हंसी मजाक से भरपूर कार्यक्रम भी होंगे। इसका उद्घाटन आजमगढ़ कमिश्नर और लेबर कमिश्नर करेंगे। इसके अलावा इस मौके पर जिले की मीडिया सहित तमाम गणमान्य हस्तियां मौजूद होंगी। न्यूज 9 भारत के लिए रोशन लाल के साथ शिखा रावत की खास रिपोर्ट। लाल अपने सहयोगी शिखा रावत के साथ इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के राहुल प्रेक्षागृह में, जहां 8 जुलाई से शहंशाह जादू का शो चलने जा रहा है। हमारे सामने जादू के सम्राट बेताज बादशाह मौजूद हैं। आइए पहले इनका इंट्रोडक्शन यानी परिचय जानेंगे, इसके बाद में जानेंगे कि क्या क्या ये लेकर आए हैं जनता के लिए और आजमगढ़ शहर के लिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? एलके मिश्रा। एलके मिश्रा जी, अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे जादू की दुनिया में आप आए, क्या दिमाग में चला आपके? देखिए, मैं इलाहाबाद प्रयागराज निवासी हूँ मूल रूप से, और आपके ज़िले में मैं पहली बार आया हूँ। बाकी आपके अगल बगल के ज़िले में मैंने पूरा शो कर चुका है, मऊ में किया है और जौनपुर में किया है, गोरखपुर में किया है, यहाँ तक कि और भी शायद गाजीपुर, सुल्तानपुर, ढेर सारे मतलब पूरे जिले में। इसका पर्पज़ क्या है, जादू दिखाने का पर्पज़? जादू दिखाने का पर्पज़ हमारा सोशल पोल्यूशन को बिल्कुल ख़त्म करना, यही हमारा एक उद्देश्य है कि नशाखोरी और भी ढेर सारी बुराइयाँ हैं, लालच, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा जो महिलाओं का एक आजकल सामाजिक अत्याचार बन गया है, विशेष रूप से। तो ये जो आप जादू दिखाते, जादू आप जो दिखाते हैं, ये जादू है या हाथ की कला है या नज़रबंद? ये साइंस, मैजिक इज साइंस, एक कहावत सारे जादूगर कहते हैं। तो जादू केवल विज्ञान के ऊपर ही आधारित है। अपना सबसे खतरनाक जादू का शो बताएं, उसके बारे में बताएं। तो हम आपको बता दें कि खतरनाक जादू तो बिल्कुल हमने बंद कर दिया है। पहले मानव कटिंग हमारा सबसे खतरनाक होता था, उसको बताते रहे कि दुनिया का सबसे खतरनाक खेल एक इंसान को दो भागों में अलग करके दिखाना, लेकिन अब हमने बंद कर दिया क्योंकि बच्चे डर जाते थे। और उसके अलावा हमारे पास तीन भाग में लड़की काट कर दिखाना, भाला आर पार कर देना, ये तीनों आइटम हमने बंद कर दिया सर, इसलिए हमारा जादू बिल्कुल अब खतरनाक नहीं रह गया है। वैसे भी अब कुछ बच्चे हैं आकर्षण बताएं, कुछ जादू डायनासोर है, हो सकता है बच्चे कुछ डर जाए, लेकिन हमारा सब इंटरेस्टिंग कार्यक्रम है, हंसी मजाक से भरपूर, डांस ड्रामा एंटरटेनमेंट हमारे शो का मुख्य आकर्षण है। 12 फीट की मूर्ति गायब करना और आजमगढ़ के लिए विशेष शो है, जिंदा इंसान को तोप से उड़ाना। हाँ, तो इसका उद्घाटन कौन करेंगे? माननीय कमिश्नर साहब। कब से कब तक की चलेगा आपका शो? हमारा पूरी जुलाई तक चलेगा। हाँ, टिकट के रेट क्या होंगे? 100, 150, 200, संडे को 100, 200, 300। हम लोग जादू समाज के कुछ जो समाज की बुराइयाँ होती हैं, कुरीतियाँ होती हैं, उस पर ही हम लोग कुछ प्रभावित करने के लिए दिखाते हैं, ताकि हमारे समाज की बुराइयाँ कुरीतियाँ दूर हो सकें। तो मैं आजमगढ़ में भी आया हूँ और आजमगढ़ के लोगों से मिला हूँ, मुझे आजमगढ़ के बारे में जैसा सुनने को मिला था ऐसा बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आजमगढ़ के लोग अच्छे हैं और आजमगढ़ में जो मुझे प्यार मिल रहा है अभी तक लोगों से बातचीत करने के माध्यम से, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, जो आप शो दिखाएंगे, जादूगर होगा, नज़रबंद होगा या हाथ की सफाई? देखिए, ना नज़रबंद होता है ना हाथ की सफाई होती है। साइंस इज आर्ट इज मैजिक एंड मिस्ट्री। एक अंग्रेजी में कहावत है कि मैजिक जो होता है मिजी शब्द से बना हुआ है, लैटिन भाषा के, जो इंग्लिश के शब्द मिस्ट्री के समानांतर होता है। मिस्ट्री का अर्थ होता है रहस्य। बट आपको ये चीज़ और बताना चाहेंगे कि मैजिक में साइंस का इफेक्ट है और हम लोग विज्ञान के ऊपर आधारित जादू शो आपके सामने ही पेश करते हैं, जिसका दो प्रमुख कारण होता है। पहला, आप लोगों का स्वस्थ मनोरंजन करना, और दूसरा, बुराई और कुरीतियों को दूर करना, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। कितने कलाकार होंगे आपके इस खेल में? इस खेल में हमारे पास स्टेज पर तो लगभग 10 कलाकार, लगभग 6 लड़कियाँ और 4 लड़के हमारे साथ
और बाकी बाहर में 18 लोग जैसा बता रहे हैं सर। इसमें आपके मुख्य जादू? जी सर, मुख्य जादू आपका? मुख्य जादू हमारा स्टार्टिंग से तो डायनासोर चल रहा है। आप लोगों ने और भी एक आध जादू करके देखे होंगे यहाँ पर, इसके पहले शर्मा जी भी डायनासोर दिखाए होंगे। लेकिन उसके अलावा हमारे पास स्टेचू ऑफ लिबर्टी मंच पर पुलक झपकते 12 फीट की मूर्ति गायक, और जो हमने सबसे बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम केवल आजमगढ़ में पहली बार आपके दिखाने जा रहा हूँ वो है भारत माता हमारे देश प्रेम के ऊपर एक जिंदा इंसान को तोप में डालकर उड़ा देना और पब्लिक के बीच से लगना, जो भारत माता के मतलब एक कृपा के माध्यम से हमारे जादू के माध्यम से वो बचता है और अंग्रेजों के द्वारा मतलब उसको ब्लास्ट किया जाता है, वो हम लेकर आ रहे हैं आज़ादी के आज़ादी की यादों को ताज़ा करना। बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होगा। कब से आपके शो का आगाज हो रहा है? कल शाम 8 तारीख। कब तक चलेगा? 24 तारीख तक। दर्शकों के लिए कोई प्रतिबंध, कोई नियम और शर्तें होंगी? कि दर्शक लोग हमारे शो में पहली डेट गुटखा पान खाना बिल्कुल मना है, गंदगी करना मना है और अभद्रता का शब्दों का प्रयोग करना ये सब मना है। पारिवारिक शो, पारिवारिक फैमिली एंटरटेनमेंट है, तो आप बिल्कुल शांति से देखें, अच्छा लगे तो तालियां बजाइए और पान बीड़ी गुटखा सिगरेट मादक पदार्थ किसी प्रकार का शस्त्र हमारे शो में लाना यही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।